हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुर @651। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत दिनों में एक अच्छी सी एक नई वीडियो लेकर आए हैं ITR के बारे में। पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज आपको पता है कि आजकल ITR भरना बहुत ज़रूरी हो गया हर किसी के लिए, लेकिन बहुत से भाई लोग क्या समझते हैं कि अरे हमारे तो इनकम टैक्स कटानी है, हम ITR क्यों भरें, हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, हम ITR क्यों भरें। तो दोस्तों, ये वीडियो हम इसलिए लेकर आए हैं कि हर किस आप भाई इस वीडियो को देखें और पता चले कि आपको ITR के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो सैलरीज पर्सन होते हैं जिनकी इनकम जो होती है 6 लाख से ज़्यादा होती है, जो हमारा टैक्स सिलेबस होता है उससे ऊपर जाती है, तो उनको तो ITR भरना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई हमारा तो इनकम टैक्स के हम दायरे में नहीं आ रहे हैं और हमें ITR भरना ज़रूरी नहीं है। तो मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मान के चलो आप इस साल में असेसमेंट ईयर जैसे आपका ये 23-24 है और आप इसमें अपना ITR भरते हैं, लेकिन अगली साल आपका इनकम टैक्स नहीं कटा है, तो आप सोचेंगे कि अगले साल मेरा इनकम टैक्स नहीं कटा है 24-25 में, तो मैं अपना ITR क्यों भरूं। तो दोस्तों, उससे आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो आपका सीक्वेंस है वो टूट जाएगा जब तक आप अपनी पिछली ITR नहीं भरेंगे। जैसे आपका अभी असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है और असेसमेंट ईयर पहले 22-23 का, जब तक आप प्रीवियस ईयर की अपनी ITR नहीं भरेंगे तो आप अपने करंट ईयर की या नेक्स्ट ईयर की ITR नहीं भर सकते। अगर आप पिछली ITR नहीं भरेंगे तो उसमें आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अगर एक बार आपने ITR भरना अपना स्टार्ट कर लिया है, आप चाहे आपका इनकम टैक्स कटे या ना कटे, आपको ITR अपना सीक्वेंस में हर साल भरना पड़ेगा। दूसरा, अब मैं इसका आपको बेनिफिट बताऊंगा। बेनिफिट क्या है, अगर आप अपना ITR भरते हैं तो इसमें आपकी इनकम सोर्स देखा जाता है, आपको होम लोन लेने में आसानी होती है, दूसरा आपको बिजनेस लोन लेने में आसानी होगी, तीसरा आपको वीज़ा आसानी से मिल सकता है। तो इसमें ITR कोई भी भर सकता है, अपने हाउस वाइफ भी भर सकती है और जो लेबर होते हैं वो भी अपना ITR भर सकते हैं। इससे आपको बैंक में जाकर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको होम लोन मिल सकता है और बिजनेस लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, हम आपको इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।